कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तुम बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि हमारी पिछली वीडियो हाउ टू बिकम अ बिजनेस आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी अच्छे फीडबैक और कमेंट आए लोगों ने और काफ़ी अच्छे क्वेश्चनार चले और ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो बेस्ड ऑन द वीडियो हाउ टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट मैंने सोचा बेटर एक वीडियो और बना दिया है अगर उन लोगों के लिए जो बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यू फेस करना चाह रहे हैं या कुछ ईयर का एक्सपीरियंस है और वो स्विच करना चाह रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट में या फिर अपग्रेड करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये बेटर डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करे, आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस एनालिस्ट का काम पता चलेगा तो आपको जॉब सर्च करने में ईजी होगी, आपको ये समझने में होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, होप अगर अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन को ऐड करूँगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल टेक शर्मा। तो देर नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एजुकेशन है, वो आप बिजनेस एनालिस्ट से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे कहेंगे कि आप इसके लिए बिल्कुल फिट हैं। इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो हाउ टू बिकम बिजनेस एनालिस्ट देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने उसके बारे में डिटेल में बताया है कि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है। नॉर्मली एक बिजनेस का काम होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी अब जब भी कोई नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है, जब भी कोई चीज़ बनाने का सॉफ्टवेयर सोचती है, तो जिस कंपनी से बनाना होता है उससे वो पूरी तरह से सारी नॉलेज गेन करती है, उन्हें डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है और फिर उन्हें आगे जो हमारा प्रोजेक्ट लीड होता है, मैनेजर होता है, जो डेवलपमेंट टीम होती है, उनको फॉरवर्ड करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बिजनेस के काम में आती है, फंक्शनिंग होती है, वो आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ओवरऑल वो सारी क्वालिटी जो मैंने बताई इस वीडियो में वो फिट होती है तो डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज एज अ बिजनेस अगर आपको ये सिनेरियो दिया जाता है कि सपोज एक एबीसी कंपनी है जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाह रही है, जिसमें वो चाहती है वो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय का डेटा इनरोल करे डेटाबेस में, तो दैट मीन्स अगर इस तरह का सिनेरियो है, इस प्रोजेक्ट को कंपनी चाह रही है, तो फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम स्क्रैच एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने से पहले आपको ये चीज़ें देखना होगा कि उस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या है, इज अ सिंगल टायर और मल्टी टायर, दूसरा डिज़ाइन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, यूआई डिज़ाइन कैसा है, इंटरफेस कैसा है, ये जो प्रोजेक्ट है वो विंडो बेस्ड है या वेब बेस्ड है, कितने लोग इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने जा रहे हैं, इसके कितने सारे क्लाइंट्स होंगे, यानी कितनी जगह पे इसको यूज़ करने के लिए हमारे नोड लगेंगे, क्या कैप्चर करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, डेटाबेस बैकअप क्या होगा, कौन सा डेटाबेस हमको यूज़ करना है, एक समय में कितने सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, और करंट सिस्टम में अभी हमारे पास है या फ्रॉम बिगनिंग नया बनाना है या कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है। एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा सिस्टम कंपनी में है जो इस तरह का काम करता हो, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ओवरऑल सारी प्रॉस्पेक्ट्स को आपको देखने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, उस कंपनी के जितने भी स्टैक होल्डर हैं उनसे आपको वन बाय वन इंटरेक्ट करना होगा और ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कट करके आपको नोट डाउन करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट बनाना होगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हाउ टू गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करें क्लाइंट से, उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। तो अगर आप इतने सारे एस्पेक्ट्स को जानने के बाद आप हर एक स्टैक होल्डर से डिटेल बाय डिटेल हर एक चीज़ का कि कौन सा वर्जन हो रहा है, कौन सी यूआई डिज़ाइन है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, मल्टी टायर है, सिंगल टायर है वगैरह, सारी चीज़ों, क्योंकि आपके माइंड में जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप अच्छे से इंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्लाइंट से एक्सपेक्ट मत करिए, क्लाइंट से आपको पूछना पड़ेगा, क्लाइंट एक लेवल तक का आपको डॉक्यूमेंट दे सकता है, बट एफिशिएंसी आपका बिजनेस में वही है जहां आप अपना माइंड सेट करें। आप कंपनी को बताइए, आप अपने क्लाइंट को बताइए कि यहाँ पे ये ज़रूरत हो सकती है, यहाँ पे ये हो सकती है, तो जब तक आप अपनी इंटेलिजेंस नहीं दिखाएंगे वो आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं करेगा, तो जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
तो ओवरऑल इतनी सारे एस्पेक्ट को देखने के बाद फिर आप एक एक चीज माइंडली आप हर एक स्टेक होल्डर से कवर करिए, पूछिए और उनको डॉक्यूमेंट बनाइए और आगे फॉरवर्ड करिए डेवलपमेंट टीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाई SDLC? SDLC क्या होता है? SDLC इज अ प्रोसेस यूज बाई द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे इंसान का लाइफ साइकिल होता है, हर एक चीज़ का लाइफ साइकिल होता है, कब वो स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ, ऐसे ही जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। कहाँ से बिगनिंग होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके वो एंड होती है। तो इसका लाइफ साइकिल कुछ ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग इसका फेस होता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से होता है, यानी जहाँ पे BA का काम स्टार्ट होता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना, उसका एनालिसिस करना, डॉक्यूमेंट करना। बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन मीन्स हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में कैसा आर्किटेक्चर होगा, कैसा हमारा फेस होगा सॉफ्टवेयर का, वो सारा मेंशन होता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग, डेवलपमेंट की बारी आती है। डेवलपमेंट होने के बाद वो जाता है टेस्टिंग टीम की तरफ, यानी उसमें टेस्ट किया जाता है कि कोई बग है तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद सब कुछ सही रहा तो वो जाता है डिप्लॉयमेंट, गो लाइव। दैट मीन्स वो क्लाइंट की सर्वर पे, साइट पे हमें डिप्लॉय कर देना होता है, यानी अब उसे क्लाइंट यूज कर सकता है। और उसके बाद होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस दैट मीन्स जैसे हम वारंटी गारंटी बोलते हैं कि हमें उसे कुछ ईयर तक, जैसा भी हमारा टर्म्स बीच में टर्म आपस में बना हो 2 इयर्स 3 इयर्स का, उतना मेंटेनेंस हमें उसको सपोर्ट देना होता है। तो ये होता है ओवरऑल SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिक्वायरमेंट से डेवलपमेंट मेंटेनेंस तक। तो SDLC का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ बिजनेसिस्ट आपको क्या पता चलता है कि फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? तो इसका आंसर है, जब भी एक बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टार्ट करता है तो उसे दो तरह के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, या दो तरीके एस्पेक्ट उसे देखना होता है कि इस तरह के सिनेरियो की रिक्वायरमेंट उसे क्लाइंट से लेनी होती है। वो होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली ये बताता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इनपुट आउटपुट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, बेसिकली उसका मेन फंक्शन क्या है सॉफ्टवेयर का। सपोज एक IRCTC का सॉफ्टवेयर है तो उसका इनपुट आउटपुट बिहेवियर क्या है, फंक्शनलिटी क्या है। यूजर से पैसेंजर की डिटेल लेना, आउटपुट टिकट बुक करना, बिहेवियर है इनपुट से लेकर आउटपुट। दैट मीन्स यूजर का डेटा लेना, पूरी प्रोसेस करना, फीस लेना, अमाउंट लेना और उसे प्रिंट जनरेट करके देना, अलॉटमेंट करना। यह है उसका एक सिस्टम, एक आउटपुट। तो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट में यही होता है कि एक सिस्टम का क्या कैलकुलेशन होगा, क्या डेटा मैनिपुलेशन होगा, बिजनेस प्रोसेस क्या है, यूजर इंटरेक्शन क्या है, क्या कुछ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है तो वो क्या है। कहने का मतलब ओवरऑल सिस्टम के बिहेवियर, सिस्टम की एग्जैक्ट फंक्शनलिटी को कोर फंक्शनलिटी और जितने भी आउटर फंक्शनलिटी क्लाइंट से लेनी होती है और उसे डॉक्यूमेंट करना होता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये बताता है कि जो सॉफ्टवेयर है इसके सराउंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि IRCTC है तो आपको पता होगा ICT साइट जब भी उस पर वर्कलोड पड़ता था, यानी बहुत सारे यूज़र करते थे तो वो काम करना बंद कर देता था, बहुत लोगों टिकट होते थे, नहीं होते थे, किसी का कैंसिल हो जाता था, बीच में रुक जाता था। ये चीज़ें थी कि एक समय बहुत सारे अगर यूज़र करने लगे तो क्या सिस्टम चल पाएगा। ये सब चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती हैं, उसमें कैटेगराइज में आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं, होती हैं, परफॉर्मेंस देखी जाती है, सिक्योरिटी देखी जाती है, रिलायबिलिटी देखी जाती है, यूजेबिलिटी देखी जाती है, मेंटेनेबिलिटी देखी जाती है, पोर्टेबिलिटी देखी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो सिक्योर है, उसका कोई डेटाबेस हैक तो नहीं कर सकता। स्केलेबिलिटी में देखा जाता है कि क्या ये सिस्टम अपग्रेड हो सकता है, दैट मीन्स एक सर्वर पर डाला गया, कल को और हमें सर्वर न्यू लेना है, अपडेटेड सर्वर लेना है, तो क्या ये काम करेगा। पोर्टेबिलिटी इस तरह की चीज़ों में आती है कि क्या सर्वर जो साइट है हमारी IRCTC की, क्या वो केवल Windows 7 पे होगी, Windows 10 पे भी चल सकती है या मोबाइल पे भी चल सकती है, क्या वो हर तरह के OS को या सिस्टम को सपोर्ट करेगा, कितने रिकॉर्ड्स अपडेट हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि इसकी सिक्योरिटी और इस तरह से परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती हैं वो आपको मेंटेन करनी होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRD vs FRD। BRD डॉक्यूमेंट क्या होता है, FRD डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या क्या फंक्शनिंग है? तो इसका आंसर है,
BRD means होता है business requirement document, FRD functional requirement document. अब दोनों में difference क्या है? BRD जो है document, ये एक BA के through या जो भी requirement gathering करता है client से, वो सारी चीज जो एक client को चाहिए होता है. आज पूरा example IRCTC से लेंगे, तो एक client को क्या requirement है, इसका high level design वो BRD में mention करता है. That means ये system का behavior ऐसा होगा, हम system में चाहते हैं इस तरह से कि वो इस तरह का input ले और इस तरह के output को दे. जैसे IRCTC ने अगर बनाना start किया होगा तो उस तरह से होगा, client का requirement है कि वो user के detail ले, उसका name, date of birth, etc. सारी detail, passenger के detail ले, ticket book करे और ticket का print out कुछ ऐसा हो. तो इसमें ये भी mention होता है कि कुछ भी template है या कुछ भी example है वो mention करना होता है. जितने भी आपके client से interaction होते हैं उनकी सारी detail, क्या क्या client से मिलता गया, तो जो जो client आप स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट लेते जाते हैं, उस डिजाइन को सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसा उनका बिजनेस गोल है, क्या आउटपुट है, क्या टेम्पलेट है, क्या एग्जांपल है, सब कुछ आपको उसमें मेंशन करना होता है बीआरडी में. तो बीआरडी आप कह सकते हैं बहुत हाई लेवल का, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में टेक्निकल ना जाके मोटे मोटे तौर पे लिखा जाता है कि हमें ये चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए, ये प्रिंट होगा, इतने यूजर यूज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ओवरऑल उस बिजनेस एक क्लाइंट ही क्या चाहता है वो सिस्टम में, वो सारी बीआरडी में मेंशन होता है. एफआरडी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये भी मैंने बताया फंक्शनल रिक्वायरमेंट के जैसा ही, इसमें सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से डिटेल में दिखा जाता है कि आप सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट पेज होगा IRCTC का लॉगिन पेज होगा, उसके बाद ये पेज आएगा, ठीक है. इसमें जितने भी हाई लेवल के टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल टेक्निकल डिटेल है, वो मेंशन किए जाते हैं. तो नॉर्मली BA ये अकेला नहीं बनाता, कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल की जरूरत होती है. तो वो आर्किटेक्ट या मैनेजर या प्रोजेक्ट लीड या टीम लीड जो भी उस लेवल का होता है, उसके साथ वो एसोसिएट होकर मिल बैठ के ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाता है कि इसमें इसका आर्किटेक्चर क्या होगा. दूसरा जो FRD होता है वो हमारा BRD से बेस्ड होता है, यानी बेस्ड ऑन BRD हम देखते हैं कि यूजर क्या चाहिए. अब यूजर ने तो बता दिया कि हमको ऐसा चाहिए, अब आपका उसमें से काम है कि टेक्निकल डिटेल्स निकालिए, उस BRD डॉक्यूमेंट से आप टेक्निकल डिटेल ले आइए, डिजाइन बनाइए, आर्किटेक्चर बनाइए, एंटिटी डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, एक दूसरे से इंटरलिंक करिए कि फर्स्ट पेज डेटाबेस ऐसा होगा, कितने यूज करेंगे, क्या ट्रांजेक्शन होगा, हर चीज फंक्शनलिटी आपको डेप्थ में टेक्निकली मेंशन करना होता है FRD में. तो ये सारे अगर आप डायग्राम पता है कि ये सारी चीज क्या होती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होते हैं इस डॉक्यूमेंट में, कैसे मेंशन किया जाता है एक ऑब्जेक्ट और एक सॉफ्टवेयर, एक यूजर और सॉफ्टवेयर, और फंक्शनलिटी कैसे कैसे इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, एक दूसरे मॉड्यूल से. तो ओवरऑल ये टेक्निकली सारी चीजें आती हैं FRD के अंदर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी और एजाइल मेथोडोलॉजी से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसका आंसर है, दोनों ही मेथोडोलॉजी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए यूज होते हैं. चलते स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल. वाटरफॉल में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, जो बिगनिंग और एंडिंग होती है, उसके बीच में क्या क्या फेजेस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको कई सारी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. जैसे कि वाटरफॉल में होता है, स्टार्टिंग होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, फिर उसके बाद डिजाइन बनते हैं, फिर वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, टेस्टिंग होता है, और डिप्लॉय होता है मेंटेनेंस. जैसे कि SDLC प्रोसेस मैंने बताया, वो नॉर्मली वाटरफॉल ये एक प्रोसेस है. इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल डिजाइन अप्रोच. सो दैट मींस इसकी स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट से होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, देन डिजाइन, डेवलप, टेस्टिंग एंड देन डिप्लॉय. सिक्वेंस है, यानी एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो ये एक सीक्वेंस चलता है. तो इसमें जो टेस्टिंग का जो फेज है, वो हमेशा जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, जब बिल्ड बनता है, सॉफ्टवेयर बिल्ड आने के बाद उसका बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल रहती है कि कैसा उसका एग्जीक्यूशन है, कैसा उसका रन करने के बाद कैसा दिखेगा. तो वो बिल्ड जब दिया जाता है टेस्टिंग टीम को, वो टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये वापस जाती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तरफ, अगर कुछ नेसेसरी है क्लाइंट से लेना, नहीं तो अगर कुछ कोड मिसिंग है तो वो डिप्लॉय फिर से कोड में जाएगा, डेवलपिंग टीम को जाएगा. अगर डिजाइन में दिक्कत है तो डिजाइन होगा, और फिर से वो डिजाइन देन डेवलप देन टेस्टिंग की ओर आएगा. सब कुछ सही रहा तो डिप्लॉय हो जाएगा. तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये थोड़ा इजी प्रोसेस होता है, बट ये अगर आप बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट हैं तो उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और कोई भी एक मिस्टेक आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट का रीजन बन सकता है. और फिर से रीडेवलपमेंट मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा टाइम डेवलपर लेंगे, सारी टीम फिर से टाइम लेगी, तो ये तरह का कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, आपका कॉस्ट इसमें ज्यादा जाएगा. स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, छोटे मीडियम प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत अच्छा है. एजाइल में इसका जस्ट डिफरेंट होता है. इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो इसका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, वो स्प्रिंट्स में डिवाइड किया जाता है. स्प्रिंट्स क्या होता है? स्प्रिंट्स हमारे 1 week, 2 week, 3 weeks का एक पीरियड बना दिया जाता है. ये पर्टिकुलर 2 weeks का 3 weeks का एक पीरियड स्प्रिंट कहलाता है.
और इसके बीच में ही हमको डेवलप करना होता है, टेस्टिंग करना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। एजाइल में क्या होता है, जो टेस्टिंग होती है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है, डेवलपमेंट भी चलता रहता है, साथ ही जो जो चीजें बन जाती है टेस्टिंग में जाती रहती है, ठीक है। अगर जो चीज बन गई वो डेवलपमेंट में चली जाती है, जो चीज नहीं हुई वो वापस फिर से डेवलपमेंट में चली जाती है, कोई चीज यहाँ रुकती नहीं है। वाटरफॉल में क्या होता है, कोई चीज नहीं हुई तो ये वापस कोडिंग में जाता है, डेवलपमेंट में जाता है और वापस आता है, कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज हुआ तो वहां से आता है, फिर डिजाइन बनता है, फिर सारी प्रोसेस होती है। बट एजाइल में ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस चलता रहता है, रिक्वायरमेंट हुआ, डिजाइन हुआ, डेवलप हुआ, आप देख सकते हैं इमेज में, टेस्टिंग एंड डिप्लॉय। ये एक पर्टिकुलर एक स्प्रिंट है हमारा, स्प्रिंट 2 weeks 3 weeks का हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम, आपके इसका मास्टर और आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट टीम कैसे डिफाइन करती है इसको। तो अगर कोई एरर टेस्टिंग में आती है तो वापस चली जाती है रिक्वायरमेंट की तरफ, अदरवाइज डेवलपमेंट की तरफ, और ये छोटे छोटे स्प्रिंट्स हमारे चलते रहते हैं। तो छोटे छोटे जितना भी हमारे टास्क होता है वो हम स्प्रिंट में डालते हैं, और स्प्रिंट में वो चीज़ें डेवलप होती हैं, डेवलप हो गई, प्रोसेस हो गई, टेस्टिंग हो गई तो आगे चला गया, अदरवाइज ये वापस फिर से डेवलपमेंट चला जाता है। तो यहाँ चीज़ें रुकती नहीं है, चलती रहती हैं। तो ये नॉर्मली इफेक्टिव होता है अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में, जहाँ पे आए दिन मॉडिफिकेशन होता रहता है, चलता रहता है, और कस्टमर चाहता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो एजाइल मेथोडोलॉजी मेनली कस्टमर इन्वॉल्व होता है और वो हर एक चीज़ को देखता है कि कैसा आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसा आज जो आपने डेवलप किया या 1 month पहले डेवलप किया वो कैसा दिख रहा है। तो उसको हर एक चीज़ पता होती है कि सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। वाटरफॉल में बन जाने के बाद उसको दिखता है, बट एजाइल में उसको वो इन्वॉल्वमेंट बराबर रहता है तो उसको हर चीज़ पता होती है। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एजाइल मेथोडोलॉजी काफ़ी अच्छी है बड़े अमाउंट के प्रोजेक्ट के लिए, ह्यूज अमाउंट के लिए प्रोजेक्ट के लिए, अदरवाइज वाटरफॉल सिक्वेंशियल आप छोटे मीडियम प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीएलसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करिए। तो इसका आंसर है, जैसे कि मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर को जब टेस्ट किया जाना होता है तो उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, कहाँ से स्टार्टिंग करता है एक टेस्टर और कहाँ पे एंड करता है। तो ये चीजें आती हैं एसटीएलसी के अंदर कि एक सॉफ्टवेयर को सिक्वेंशियल तरीके से जो हम टेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं एसटीएलसी। जैसे कि स्टार्टिंग होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, फिर टेस्टिंग प्लान करते हैं, फिर टेस्ट केसेस डेवलप करते हैं, फिर एनवायरमेंट सेटअप करते हैं, फिर जो हमारे टेस्ट होते हैं केसेस एग्जीक्यूट करते हैं, एंड टेस्ट साइकिल क्लोजर। दैट मीन्स क्या हमारा आउटपुट था उसको हम अपना डॉक्यूमेंट करके क्लोज करते हैं टेस्टिंग की, हाँ टेस्टिंग डन, ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो टेस्ट टीम होती है वो हमारा बीआरडी एफआरडी मेनली जो एफआरडी होती है वो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करती है कि क्लाइंट को क्या चाहिए होता है और उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। स्टडी करने के बाद क्यूए टीम है वो इंटरेक्ट करता है हमारे जितने भी स्टैक होल्डर्स हैं, लाइक बिजनेस एनालिस्ट हुआ, टीम लीड हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, इस तरह के स्टैक होल्डर से कन्फर्मेशन लेता है, हर एक चीज की डिटेल लेता है अगर उसे कोई कन्फ्यूजन हो रही हो, ताकि उसे जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो क्रिस्टल क्लियर हो। उसके बाद वो RTM यानी रिक्वायरमेंट ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स, वो क्या होता है वो आगे मैं बताता हूँ, वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है। नेक्स्ट होता है फेज टेस्ट प्लानिंग। टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए मैनेजर की होती है। क्यूए मैनेजर क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है कि इस टेस्ट को करने में कितना एफर्ट लगेगा, कितनी कॉस्ट जाएगी, ये सब चीजें वो देखता है और फाइनलाइज करता है, अपना टेस्ट प्लान बनाता है कि हाँ इतने डेट से स्टार्ट होगी, ये फेजेस होंगे, क्या टेस्टिंग टूल यूज करना है, सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए विंडो है, वेब है, क्या पर्टिकुलर वो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए ये विंडो है या वेव है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने टेस्ट टूल सेलेक्ट करता है। कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने हमें टेस्टर चाहिए, कितने लोग हमें चाहिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, कौन कौन से पार्ट को कौन लोग टेस्ट करेंगे, ये डिटरमाइन करता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर उन्हें इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चाहे उस पर्टिकुलर टूल से रिलेटेड, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अपनी टीम के लिए। थर्ड फेज हमारा है टेस्ट केस डेवलपमेंट। लास्ट मैंने क्वेश्चन में बताया था कि टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट एफआरडी एंड बीआरडी वो टेस्ट केस क्रिएट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अगर वो ऑटोमेशन हुआ तो अपना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं अगर जरूरत हुई, और वो एक टेस्ट डेटा बनाते हैं अगर इन्वायरमेंट सेटअप है, इन्वायरमेंट मतलब जिसपे उन्हें टेस्ट करना है जिस सर्वर पे। नेक्स्ट हमारा टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप ये बताता है कि आपका जो क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देना है, जिस तरह के हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्या एनवायरनमेंट रहेगा, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, विंडोज 7 विंडोज 10 पे चलेगा, एंड्रॉयड पे चलेगा, iOS पे चलेगा, ये सारी चीजें आपको एक क्यूए को टेस्टिंग टीम को सेटअप करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, ताकि जब क्लाइंट के एक्चुअल एनवायरनमेंट पे आप कोड यानी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करें तो किसी भी तरह की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसको बोलते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। तो नेक्स्ट प्रोसेस है टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब इसमें क्या होता है, जितने भी टेस्ट केसेस और सिनेरियो आपने लिखे हैं, टेस्ट प्लान जितने भी बनाए हैं, उसको आप टेस्ट करते हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम
कोई बग मिलता है तो उसे आप रिपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट टीम को जीरा के थ्रू या मेल के थ्रू या कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू एंड उसको टीम करेक्ट करती है एंड फिर से आप रीटेस्ट परफॉर्म करते हैं और जो भी टेस्ट के रिजल्ट निकले हैं आपके टेस्ट केस और सिनेरियो के जो भी रिजल्ट निकला है पॉजिटिव नेगेटिव क्या एरर था वो आप RTM डॉक्यूमेंट यानी रिक्वायरमेंट ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स में मैप करते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट केस नंबर जिसका रिजल्ट ये था ये सारी चीजें आप मेंटेन करते हैं। टेस्ट साइकिल क्लोजर लास्ट वन है, इसमें आप सारी डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद आप ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेस्ट में हमें क्या प्रॉब्लम फेस किया क्या लर्न किया और एक टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें की सारी डिटेल्स होती है इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या टेस्ट किया और क्या इसका आउटपुट रहा और क्या क्या डिफिकल्टीज हुई चैलेंजेस हुए एक्सेट्रा। तो मेन इसका बनाने का मतलब है ये टेस्ट क्लोजर डॉक्यूमेंट का कि क्या क्या इसमें हमें प्रॉब्लम है बॉटल लेक मिली क्या लैकिंग था क्या लर्न किया हमने एक्सेट्रा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस कहलाता है कि बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये चीजें डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम हमें ऐसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत काफी इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है वो होता है टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो में क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है सबसे पहले टेस्ट सिनेरियो क्या होता है। टेस्ट सिनेरियो एक तरह का आप हेडिंग कह सकते हैं कि जैसे कि सपोज एक लॉगिन पेज है या एक IRCTC का लॉगिन पेज है उसको हमें टेस्ट करना है। आप ये एग्जांपल में भी देख सकते हैं। तो टेस्ट सिनेरियो मतलब अगर हमें लॉगिन को वैलिडेट करना है लॉगिन को टेस्ट करना है तो इसका टाइटल कुछ ऐसा होगा कि हाउ टू वैलिडेट द लॉगिन पेज समथिंग लाइक दैट। आप एग्जांपल में देख सकते हैं। सिनेरियो का मतलब होता है आप क्या टेस्ट करने जा रहे हैं क्या फंक्शनलिटी टेस्ट फंक्शनलिटी परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके बारे में और टेस्ट केस उसके अंदर की माइन्यूट डिटेल को कवर करता है कि मतलब उस फंक्शनलिटी के अंदर आप क्या क्या टेस्ट करने जा रहे हैं। सपोज अगर लॉगिन पेज है तो टेस्ट सिनेरियो का मतलब होगा कि टेस्ट सिनेरियो में आ गया लॉगिन पेज फंक्शनलिटी टेस्ट और टेस्ट केसेस में आ गया कि जब हम वैलिड नंबर एंटर करते हैं लॉगिन पासवर्ड तो क्या होता है इनवैलिड करते हैं तो क्या होता है बिना लॉगिन पासवर्ड एंटर किए कैंसिल करते हैं ओके करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह की सारी सिचुएशन टेस्ट केसेस में आते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्लो टेस्ट करना होता है। पॉजिटिव मतलब सेम वे में अगर आप लॉगिन जैसा डायरेक्शन है में लॉगिन पासवर्ड डाला तो क्या होगा। नेगेटिव मतलब अगर हम ये ना डाल के ये कुछ डालते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं या कुछ रॉन्ग चीजें करते हैं तो क्या सिस्टम का बिहेवियर होगा। ये चीजें आती हैं टेस्ट केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स RTM। ये क्या होता है ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। तो इसका आंसर है RTM डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन में RTM का जिक्र किया जिसमें ये बताया कि RTM नॉर्मल टेस्टिंग टीम के लिए यूज होती है। इसमें वो क्या करते हैं कि टेस्टिंग के दौरान जितने भी आउटपुट आए पॉजिटिव नेगेटिव और टेस्ट केस क्या सिनेरियो था और क्या उन्होंने टेस्ट किया उसको वो इसमें मैप करते हैं। तो RTM डॉक्यूमेंट मेनली होता है कि जितने भी हमने टेस्ट किए उसका परफॉर्मेंस आउटपुट क्या था पॉजिटिव था नेगेटिव था कोई ऐसा टेस्ट केस तो नहीं था जिसको हमने ना चेक किया हो जिसको हम भूल गए हो। तो एक तरह से ये हेल्प करता है आपको एक शॉर्ट में सब कुछ जानने का कि ये सारी चीजें टेस्टिंग हमने कवर कर ली कि नहीं कर ली ये फंक्शनलिटी कवर हुई टेस्टिंग में या नहीं कही और कवर की तो क्या आउटपुट था। तो कह सकते हैं कि RTM डॉक्यूमेंट एक तरह का वर्कशीट होता है यानी रोज कॉलम में डेटा मेंटेन करते हैं हम उसमें एक वर्कशीट एक्सेल की तरह होता है जिसमें लिखा होता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं नॉर्मली जो हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस पे नंबरिंग करते हैं कि फंक्शनल डॉक्यूमेंट का फंक्शन नंबर ये F1 सपोज और ट्रेसबिलिटी में हमने क्या टेस्ट किया तो टेस्ट केस 1 उसका क्या आउटपुट था ये सारी मेंटेन करते हैं देख सकते हैं एग्जांपल में। तो ये होती है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जिसको नॉर्मली QA बनाता है और ये प्रोडक्ट के जितने भी स्टैक होल्डर इसको यूज करते हैं सारी फंक्शनलिटी का टेस्ट रिजल्ट जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ बिजनेस आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि आप मार्केट में एक अच्छा बिजनेस प्रूव कर पाए और सक्सेस हो पाए। तो स्किल्स बिजनेस के अंदर जो है वो तीन टाइप के हैं। नंबर वन इज अ फंडामेंटल स्किल। फंडामेंटल स्किल का मतलब होता है उसके अंदर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए रिसर्च होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब उसको प्रॉब्लम जो भी फेस करे किस तरह से टैकल करते हैं सॉल्व करते हैं कम्युनिकेशन क्लाइंट्स इंटरेक्शन अच्छे से बात करना अच्छे से अपनी जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं प्रॉपर वे में होना चाहिए बहुत ईगो वाला नहीं होना चाहिए बात समझने वाला होना चाहिए एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन स्किल में ही आती है किस तरह अच्छे से आप क्लाइंट को आप कम्युनिकेट कर लेते हैं उनसे बातें समझ सकते हैं उनके बातें बता सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत सारी आती है नेगोशिएशन आती है आपको डॉक्यूमेंटेशन आता है मैनेजमेंट में आपको बिजनेस प्रोस्पेक्ट समझना होता है क्या आर्किटेक्चर क्लाइंट का क्लाइंट से एक कंपनी से इंटरेक्शन के बाद क्या क्या चीजें जरूरत होती है। और नेक्स्ट है रिसर्च आना चाहिए दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन उसको अच्छा होना चाहिए कैसे वो पता लगा ले कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है क्या ऐसा भी हो सकता है कैसा भी हो सकता है रिसर्च में आती है। दूसरा है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में IT स्किल्स आनी चाहिए
चाहिए, जैसे MS Office हो, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, लैंग्वेजेस, डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, SDLC, डोमेन नॉलेज, ब्राउजर, डोमेन मतलब किस तरह के, बैंकिंग डोमेन है, मेडिकल डोमेन है, टेलीकम्युनिकेशन है, किस तरह का डोमेन है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए जिस भी तरह के आप कंपनी में जा रहे हैं डोमेन के लिए, तो टेक्निकल साउंड होना चाहिए आपको। नंबर 3 है बिजनेस एनालिसिस स्किल्स। इसमें आते हैं रिक्वायरमेंट टेक्निक्स, यानी एक रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए क्लाइंट से क्या क्या टेक्निक्स यूज करना चाहिए, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, आई बटन ऊपर है। डॉक्यूमेंटेशन, कितने तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, BRD, FRD, इसके अलावा ट्रेसबिलिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक वीओ को मेंटेन करनी होती है, वो आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड मोमेंट पे समझ जाए कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, ये डिसीजन मेकर होना चाहिए। क्रिएटिविटी, डेफिनेटली क्रिएटिविटी थोड़ी अलग होनी चाहिए, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे क्लाइंट उतनी ही ज्यादा आपसे इंप्रेस होगा कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इफ यू एड दिस, इफ यू रिमूव दिस, दिस वन इज गुड, इज लाइक दैट। एनालिटिकल स्किल, आपकी सोच समझने की क्षमता बहुत तेज होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये स्किल है जो एक बिजनेस एनालिस्ट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैनो एनालिसिस? कैनो एनालिसिस क्या होता है? वो होता है, तो कैनो एनालिसिस हेल्प करता है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको ऑप्टिमाइज करना और अपना बेटर तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना, वर्क को प्रायोरिटाइज करना, तो इस तरह की चीजें आती हैं कैनो एनालिसिस में। ये कैनो मॉडल आप देख सकते हैं, तो नॉर्मली ये 3 स्टेप में आते हैं। जो पहला स्टेप है वो है मस्ट बी थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट बेसिक, दैट मीन्स इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर की डिमांड कर रहा है, जो उसको चाहिए, आप उसे एटलीस्ट उतना सॉफ्टवेयर, उतने फीचर होने चाहिए जो मिनिमम आज के डेट में सबको मिलता है, द बेसिक थिंग, मतलब उसने जो मांगा वो तो होना ही होना चाहिए, वो चीज मिस नहीं होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने मांगा एक एम्प्लॉय का एनरोलमेंट करने का सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर बेसिक चीजें होनी चाहिए कि कैसे लॉगिन करें, कैसे आप यूजर बनाएं, कैसे वो प्रिंट करे डॉक्यूमेंट, कैसे स्टोर करे, डिलीट करे, एक्सेट्रा, ये कह सकते हैं। और आपके कंपनी के अंदर आपके कंपनी का जो सेटअप है वो बेसिक में होना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास इतने ही डेवलपर हो, इतने स्किल्ड वाले डेवलपर हो, जैसे कि उसको रिक्वायरमेंट है, उस टेक्नोलॉजी के डेवलपर होने चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए क्वालिटी टीम होनी चाहिए जो उस तरह के डेटा को, उस तरह के सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सके। तो ये बेसिक चीज है। सपोज एक होटल आप जाते हैं, तो होटल के अंदर क्या क्या चीज आप चाहते हैं, उसके अंदर टीवी हो, रूम अच्छा हो, नीट क्लीन हो, बाथरूम क्लीन हो, है ना, ये सब बेसिक चीज है, मतलब ये चीजें होनी चाहिए, नहीं है तो आप वहां से रिटर्न हो जाएंगे। जैसे गाड़ी बनाने आप किसी गैराज में जाते हैं, तो ये आपको देखना होता है ना कि गाड़ी के अंदर वो सारे इक्विपमेंट है, उस तरह के मैकेनिक है, अलाइनमेंट टेस्ट कर लेता नहीं कर लेता है, कंप्यूटराइज टेस्ट हो जाते नहीं जाते, फ्यूल वगैरह चेंज हो जाते नहीं होते, पर्टिकुलर इंजन और उस तरह के इंटरनल पार्ट को चेक करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर उस तरह के मैकेनिक है या नहीं है, अगर नहीं है, उनके पास टूल्स नहीं है, ऐसी चीज नहीं है, सेटअप नहीं है, तो आप वहां नहीं जाएंगे, आप दूसरी जगह जाएंगे। तो ये होता है मस्ट बी। सेकंड है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। इसमें आप ये करते हैं कि जो कस्टमर की मस्ट बी रिक्वायरमेंट, वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आप उनको डिफरेंट दें, कुछ एक्स्ट्रा दें। तो एक्स्ट्रा मतलब अगर उनको नहीं देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप देते हैं तो वो डिससेटिस्फाइड भी नहीं होंगे, वो हैप्पी होंगे। मतलब कहने का मतलब ये जो आप दे रहे हैं, तो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट में जो बेसिक है, जो मस्ट बी एट्रीब्यूट्स है, वो होने ही चाहिए, साथ ही साथ आप उन्हें और क्या दे सकते हैं। ये चीजें जरूरी नहीं होती हैं, मतलब ये एलिमेंट देना जरूरी नहीं है, बट ये इंक्रीज करता है कस्टमर का एंजॉयमेंट और आपसे बेटर सर्विस के लिए। जैसे कि आप होटल बुक करते हैं और आपको वहां पता चलता है कि SDTV फ्री मिल रहा है, अच्छा ब्रॉडबैंड मिल रहा है, सर्विस सेंटर में जाते हैं तो पता चल रहा है कि आपका व्हीकल बहुत टाइमली मिल जा रहा है, स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो आप इससे इंप्रेस होंगे। हालांकि ये ना हो, काम हो जाए तो भी चलेगा, बट अगर ये होता है तो आप इससे हैप्पी होंगे। तो ये होता है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपने डिलीवर कर दिया बहुत टाइमली, क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर का था बहुत अच्छा था, टेस्टिंग टीम ने बहुत अच्छा टेस्ट किया, कोई बग नहीं निकला डिप्लॉयमेंट के बाद, और कोई निकला भी तो आपके डेवलपमेंट टीम ने बहुत तेजी से सॉल्व कर दिया, और साथ ही साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी दे दिए। सपोज कोई इमेज का काम सॉफ्टवेयर है तो क्रॉप करने के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर दे दिया, डेटाबेस का है तो कुछ आपने इंसर्ट डिलीट का दे दिया। तो मतलब ये अगर हम नहीं भी देते तो चल जाएगा, बट आप देते हैं तो वो हैप्पी होंगे, परफॉर्मेंस आपका काउंट होगा। तो ये आते हैं हमारे परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। थर्ड है एक्साइटमेंट डिलाइटर। इसमें आप कस्टमर को सरप्राइज करते हैं ऐसी चीजें देकर जो उसने सोचा भी ना हो या उसकी डिमांड ना की हो, है ना, मतलब कस्टमर को पता ही नहीं था कि आप उसे ये देने जा रहे हैं या उसने डिमांड किया हो, बट अगर उसको मिलता है तो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। ये होता है एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट। जैसे कि आप होटल में जाते हैं और आप कॉम्प्लीमेंट्री डिनर मिल जाता है या ब्रेकफास्ट मिल जाता है, आप कहेंगे वाओ। आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, आप फ्री मोबाइल ऑयल टॉपअप मिल जाता है, आप कहते हैं वाओ। ऐसे सॉफ्टवेयर में आप उन्हें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर देते हैं जो उनकी डिमांड में था, उन्होंने डिमांड नहीं किया बट उनकी उन्होंने जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाया उनमें यूज हो सकता था। या आपने कुछ ऐसी चीजें कर दी, सपोज एक सॉफ्टवेयर था जिसमें कि एम्प्लॉय का फेस कैप्चर करके डेटाबेस में स्टोर किया जाता था, बट उसमें ये दिक्कत थी, कभी फेस ऊपर हो जाता था, नीचे हो जाता था, क्रॉप प्रॉपर नहीं होता था, तो आपने एक सॉफ्टवेयर दे दिया जो ऑटोमेटिकली फेस को डिटेक्ट करके सेंटर में रख के पूरी तरह से क्रॉप प्रॉपर करके जितने भी कोऑर्डिनेट थे बराबर करके डेटाबेस में स्टोर करता है। तो ये वॉव है कि एम्प्लॉय ने सोचा भी नहीं था कि हाँ ये भी हो सकता है, और आपने उन्हें दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। या कोई ऐसा टूल दे दिया
जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो, या आपने कोई एमसी बढ़ा दी कि हाँ दो साल तक फ्री एमसी दो, फिर फ्री मेंटेनेंस दे दिया, है ना, तो ये चीजें वाओ में आती है। दूसरा, बिजनेस एनालिस्ट जब रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा होता है उसमें ये देख सकता है कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम एक यूजर को फेस करनी पड़ती है या इस तरह की रिक्वायरमेंट एक क्लाइंट को हो सकती है वो देखता है, और अगर क्लाइंट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं करता है तो भी वो अपने मैनेजर आर्किटेक्ट से डिस्कस करके उसको साइलेंटली ऐड कर देता है, और जब हम उन्हें लास्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो कहता है वाओ। तो इससे होगा कि क्लाइंट जब अपनी मैनेजमेंट टीम को बताएगा कि इस कंपनी से जिसने भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कराया उसने हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, तो ये आपकी कंपनी के लिए गुड परफॉर्मेंस होगा और गुड अप्रिसिएशन होगा। तो आज आपने जो परफॉर्मेंस के लिए उन्हें टूल दिए, सर्विसेज दिए, वो कल को मस्ट भी हो सकता है। ऐसा ही जो एक्साइटमेंट के एट्रीब्यूट्स आप देते हैं कोई ऐसी चीज सोच के, वो कल के लिए आपके लिए परफॉर्मेंस भी हो सकता है। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स मींस आज के लिए आपको लगता है कि वो एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा एक्स्ट्रा है, बट कल के लिए वो मैंडेटरी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिनेरियो बेस्ड कि अगर सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बीच में अगर क्लाइंट कुछ भी कहता है कि हमको ये चाहिए, उसको बोलते हैं चेंज रिक्वेस्ट। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट उस चेंज रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे बताइए। तो इसका आंसर है मतलब डेवलपमेंट के दौरान या डेवलपमेंट के बाद अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसके डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं, बट एक नॉर्मल वे में बताता हूँ, बाकी क्रिएटिविटी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो एज अ बी आपको सबसे पहला काम होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट BRD FRD और चीजें बन जाती है तो उसे आप क्लाइंट से साइन ऑफ लेना होता है, दैट मीन्स ये चीजें बनने जा रही है और आप एग्री करते हैं, दैट मीन्स इसके बाद कोई भी चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। क्लाइंट उस डॉक्यूमेंट को देखता है, उसने कहता है हाँ अगर उसको जरूरत होती चेंज करने की तो बोलता है, अदरवाइज वो साइन करता है। साइन मीन दैट मींस हाँ मुझे यही सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं इसमें एग्री करता हूँ। लेकिन अगर डेवलपमेंट के बाद या डेवलपमेंट करते वक्त उसको लगता है कि मुझे नहीं कुछ चीजें चाहिए और आप एग्री करते हैं कि हाँ चलो मैं कर दूंगा, नॉर्मली कंपनीज में कॉस्ट होती है इसकी अलग, कॉस्ट चेंज रिक्वेस्ट कॉस्ट पड़ती है कि आपको क्या ऐड कराना है, कितना इफेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं कंपनी। और अगर ये टर्म्स एग्री हो जाते हैं कि हाँ चेंज करना है, तो एक बीए को क्या देखना होगा, सबसे पहले उसको ये नोट डाउन करना होता है कि क्या चेंजेस हमें सॉफ्टवेयर में करना है और उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करता है। दूसरा, जो भी चेंजेस रिक्वेस्ट आई है, जो भी चेंज ऑफ फंक्शनलिटी आई है कि क्या चेंजेस करना है, वो फाइंड आउट करता है और उसका इम्पैक्ट जो भी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट लीड जो भी होता है उससे डिस्कस करता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये प्रोसेस कहलाता है इम्पैक्ट एनालिसिस, मतलब जो भी हम फंक्शनलिटी ऐड करेंगे वो ऐसा तो नहीं कि वो बैकफायर कर दे, कोई नुकसान कर दे या सिस्टम के आर्किटेक्चर को चेंज कर दे, तो वो इम्पैक्ट एनालिसिस चेंज देखा जाता है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर आर्किटेक्ट या IT पर्सन कोई भी टेक्निकल होना चाहिए जिसके थ्रू भी ये डिस्कस करके ये इम्पैक्ट एनालिसिस करता है। थर्ड है, सब कुछ होने के बाद वो कैलकुलेट करता है कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम होगा, कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कितने डेवलपर होंगे एक्सेट्रा, और इसका कोई इम्पैक्ट चेंज जो भी होगा वो सारी चीजें कवर करता है। और इन सब डिस्कशन में आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व होता है और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी ये चेंजेस हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं उसका कोई फंक्शनल या डिजाइन में कोई गैप तो नहीं होगा, कोई टेस्टिंग में या कोडिंग में। इसको बोलते हैं गैप एनालिसिस, मतलब इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से हमारा कोई डिले तो नहीं हो जाएगा या हमें किसी चीज का वेट तो नहीं करना होगा, ऐसी बहुत सारी एस्पेक्ट्स को आप गैप एनालिसिस में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग है, सिमिलर लगता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड इशू, रिस्क और इशू में क्या होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो इसका आंसर है रिस्क क्या होता है, रिस्क वो चीज होती है जो आने वाली हो सकती है जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर में हम फेस कर सकते हैं। सपोज अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर उस तरह का हमें एनवायरनमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, अगर उस तरह के टेस्टिंग टीम नहीं मिले तो क्या होगा, अगर कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो क्या होगा, या कोई थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है कि ये थर्ड पार्टी हमें पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करेगी, अगर थर्ड पार्टी का से इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता या उनका सर्वर नहीं अवेलेबल होता है तो क्या होगा, ये चीजें होती है रिस्क और इसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस सॉफ्टवेयर को बेटर बनाती है आगे कोई भी प्रॉब्लम आने में, हम उन्हें अज्यूम कर सकते हैं कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने से ये होगा कि हम उनके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना होगा। इशू मतलब कोई इशू आ गई, जो रिस्क है जब वो रिस्क हो जाती है तो वो इशू कहलाती है, दैट मींस थर्ड पार्टी ने कोई डेटा नहीं दिया तो ये हो गया इशू, तो उससे कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको बोलते हैं इशू एनालिसिस। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जब भी हम रोड कहीं कहीं जाते हैं तो कहीं पे लिखा होता है कि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना, आप थोड़ा सा अच्छे से और क्योंकि रोड बन रहा है, ये बोलते हैं रिस्क, ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे काम चल रहा है तो मे बी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसको बोलते हैं रिस्क, ऐसा रिस्क हो सकता है। अब खराब रोड की वजह से आप चले जाते हैं और आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है या कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, इसको बोलते हैं इशू, मतलब प्रॉब्लम हो गई। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड इशू। तो रिस्क एंड इशू को मैनेजमेंट हैंडल करने के लिए रिस्क एनालिसिस एंड इशू एनालिसिस आना चाहिए।
तो ये थी आज की कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन, होप आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा इंटरव्यू में नॉलेज गेन करने में। और बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस सीरीज में कुछ और नेक्स्ट जानना है, कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्लियर करना है, हमें ज़रूर बताइए। और इसके बारे में अगर अच्छा हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए बैकग्राउंड के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल टेक्समिथ। थैंक यू।